खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हेतु लेकर आए हमारे सभी अतिथिगण डॉक्टर सुफलिका जी, श्रीमती प्रियंका विश्वास जी, साथ ही हमारे अध्यक्ष श्री पियर शंका जी, समाज सेवी श्री नरेश पाहन जी करेंगे तपश्चात, और साथ ही सिविलियन मुखिया श्री मुकेश भगत जी, स्वागत है आपका भी। आप सभी अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हेतु यहाँ पे उपस्थित थे, हम उन्हें भी बेंच बना के सम्मान करेंगे। दीदी और नगर इनाम, और साथ ही रातू जिला परिषद से भाई आलोक राव जी की तरफ से भी 1,000 रुपए का नगर इनाम दिया जाएगा। और यहाँ बिल्कुल रेफरी की बात, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मैदानी गोल के लिए इनामी राशि है, पेनाल्टी गोल में इस इनाम को नियोजित नहीं किया जाएगा। और यहाँ फिर से एक बार लीजा का अच्छा प्रदर्शन, जबरदस्त बचाओ राउरकेला एफसी की गोलकीपर। अरे तो जगह हुआ बना के मौका बनाते हैं राउरकेला की टीम। दाहिनी छोर से अच्छा पास, जर्सी नंबर 17 तेज गति से अच्छी ड्रिबलिंग, लेकिन वहां कर नहीं पाई। वहां काउंटर बनाते हुए राउरकेला की टीम, अच्छा मौका बन सकता है, गेंद को नियंत्रण में नहीं रह सकती। बॉल पोजीशन राउरकेला के पास, और यार यार देखिए अपने रक्षा क्षेत्र में, और यहाँ रेफरी की विशेष हार्ड टैकल के लिए यहाँ फाउल करा दिया है रेफरी। अच्छा अच्छा राउरकेला फिर से मौका बनाते हुए दाहिनी छोर से बंगाल का रोहन, काफी दूर से साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहते लेकिन दिशा नहीं पर गेंद नहीं रख सके, मर्यादा से पहले का खेल दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर, अच्छा मौका मिला था। नंबर 7 साथी खिलाड़ी को ढूंढने पाए छोए, फिलहाल मिशन के पास अपने आते हैं क्षेत्र में। क्वार्टर फाइनल में दोनों ही टीमों ने झारखंड की अलग अलग टीमों को हराया, सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया। निशाने पर नजर रख लीजिए, गोल लाइन से बाहर। अच्छा मौका बन सकता था यहाँ उड़ीसा का, अच्छा मौका बन सकता था यहाँ बंगाल का, लेकिन तारीफ करनी होगी लीजा जाजा का जो गोलकीपर है उड़ीसा की, बिल्कुल अपने कंधे पर खिलाड़ी के लिए
भाई श्री नरेश पाल जी की ओर से 1000 रुपए नगद इनाम और रातू जिला परिषद श्री आलोक गुराव जी की तरफ से भी 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। होना चाहिए नगर 3000 रुपए पहला गोल मारने वाले खिलाड़ी को इनाम दिया जाएगा। और अभी अभी हमारे बीच एक जुझारू हम लोग के दिलो जान में रहने वाले हमारे बीच आ चुके हैं भारत काशी इनाम दिया जाएगा। और बिजलिया सिमलिया मुखिया जी की ओर से भी भाई भाई मुकेश भगत जी की ओर से भी नगद 1000 का इनाम दिया जाएगा। कुल 3000 रुपए पहला गोल मारने वाले खिलाड़ी के लिए इनाम रखा गया है हमारे भाइयों की ओर से। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मौका था, काफी दूर से किया गया है लाजवाब प्रयास, भाई छोर से निशाने से थोड़ी ऊपर रह गए। और यहाँ पे हमने कॉर्नर रणजीत किया है दाहिनी छोर से किक के लिए जर्सी नंबर 10 जो कप्तान है टीम की शीला। अच्छा मौका बना रहा है लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए बंगाल की टीम। और यहाँ फिर से थोड़ी देख पा उड़ीसा के पास दर्शकों में जबरदस्त उत्साह अपनी अपनी फेवरेट टीम का हौसला बढ़ाते हुए
मारो 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 आज आकर्षण लड़के लड़के मैच के लिए असिस्टेंट अलेक्सिया अच्छा बजा जबरदस्त प्रदर्शन लिजा जजारिया का एक बार फिर देखने को मिला अच्छा एडवांस पोजीशन में आई चला चला अच्छा प्रयास था यहाँ अच्छा मौका था दाहिनी छोर से जर्सी नंबर टीम कैप्टन ससक डिफेंस लाइन बंगाल का यूनाइटेड एफसी कांके और मामा स्पोर्टिंग रन दोनों ही टीमें रेफरी ऑफिशियल टेबल के पास रिपोर्ट करें मामा स्पोर्टिंग रातु चलो चलो पेरिए गए चलो ऑफसाइड चेक होवे ऑफसाइड चेक होवे अच्छा बोलिए थोड़ी सारी खिलाड़ी और फिर से एक बार अच्छे पोजीशन पर लीजा जा रिया अच्छा बचाव किया यहाँ इन्होंने सुना